बहू पर अत्याचार, बेटी से प्यार। अरे ओ महारानी, आज मुझे उठकर चाय नाश्ता दोगी भी या नहीं? सूरज सर पर चढ़ाया है लेकिन महारानी आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। सॉरी माँ जी, देर हो गई, मैं अभी फ्रेश होकर आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सरिता चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को देती है, तभी वो देखती है कि उसकी छोटी ननद किंजल अभी तक सो रही है। ओफो किंजल, तुम तो अभी तक सो रही हो। किंजल उठ जाओ, देखो तो सूरज निकल आया है, अब कितना सोगी, उठ जाओ। अरे बहू, तो इसे ऐसे क्यों उठा रही है? अच्छा अब समझी, तू मेरी बेटी से मेरा बदला ले रही है। मैंने तुझे क्या उठाया, तू तो मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा रही है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि किंजल भी अभी तक सो रही है। हाँ तो क्या हुआ, उसका घर है ये, और वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो ये मेरा भी है। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, समझी? अब जा और जाकर घर के बाकी के काम करो, समझी? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बना लूं? तभी उसकी नंद किंजल उठ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं भाभी, आज तो मेरा मन बिरयानी खाने का कर रहा है, तो बिरयानी ही बनाओ। पर मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं हूँ, और वैसे भी बिरयानी तो तुमने परसों ही खाई थी। आज मैं सबके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, ठीक है ना माँ जी? अरे तुमने सुना नहीं या तुम्हारा कान खराब है? मेरी बेटी का जब बिरयानी खाने का मन है तो चुपचाप से जाकर सबके लिए बिरयानी ही बना दो। वैसे भी फ्रिज में रात की सब्जी रखी है, वो तुम खा लेना, अब जा। सरिता की सास हमेशा सरिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो अपनी बहू और बेटी में बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बहू से जरा भी प्यार नहीं करती थी और अपनी बेटी को अपने सर पर चढ़ा कर रखती थी। सरिता को ये भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। कुछ दिन बाद किंजल ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही थी, तभी गलती से उससे उसका कांच गिरकर टूट जाता है। अरे क्या गिरा, हे भगवान, ये किसने किया? सरिता भी वहीं होती है, तभी किंजल झट से कहती है, भाभी ने किया है माँ। हे भगवान, तुझसे क्या एक भी काम बिना नुकसान के नहीं होता है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुझे यही सब सिखा कर भेजा है। अरे तुझे पता भी है कांच का टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है। पर माँ जी मैं तो। चुप, एकदम चुप। अगर आज तूने मुझसे जुबान लड़ाया ना, तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं किंजल, अब इससे गलतियाँ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। अब खड़े खड़े मेरा मुँह मत देख, जा यहाँ से। सरिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन सरिता छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी ननद किंजल एक लड़के से काफी देर से बातें कर रही है। वो जब नीचे आती है तो अपनी सासू माँ को हॉल में बैठा देखकर उनसे पूछती है, माँ जी अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? नहीं तो, मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? वो किंजल बाहर खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी, मुझे लगा शायद वो हमारे कोई रिश्तेदार हो। किंजल, किंजल बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ, कहिए क्या हुआ? तेरी भाभी कह रही है कि आज कोई लड़का तुझसे मिलने आया था और तू बाहर खड़ी उससे बातें कर रही थी, कौन था वो लड़का? अरे भाभी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आ रही हूँ और आप कह रही हो कि मैं बाहर खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही थी, कितनी झूठी हो आप भाभी। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, किंजल एक लड़के से बात कर रही थी। भाभी आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा सुना क्या दिया, आप तो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाने लग गई। माना कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, इसका बदला आप इस तरह से झूठ बोल कर लोगी? हे भगवान, राम 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 राम, तुझे शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर अपनी ही नंद पर इतना गलदा इल्जाम लगा रही हो? अरे जब तुझे मुझसे और मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पर ऐसे गलदे आरोप लगाए तो, समझी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ, मुझे लगा वो शायद हमारा रिश्तेदार या किंजल का कॉलेज का दोस्त होगा। बहुत हो गया भाभी, आप अभी भी वही बोले जा रही हो। देख सरिता, मेरी बेटी को अपनी तरह मत समझ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, समझी? अब जा और जाकर घर की सफाई कर, और थोड़ी सफाई अपने दिमाग की भी कर ले, समझी? ये सब सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है। एक दिन और सरिता किंजल को उसी लड़के से बात करते हुए देखती है और वो अपनी सास को आकर बताती है, देख बहू अब बस बहुत हुआ, अगर तूने दोबारा मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला ना, तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए और एक बार प्यार से किंजल से इस बारे में बात करिए। तू घर में रहकर पागल हो चुकी है, कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगी, ना तो तू घर में रहेगी ना तो तू मेरी बेटी पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा पाएगी।
ठीक है माँ जी। अगले दिन सरिता अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है और जब दोनों सास बहू मंदिर से पूजा करके घर लौटती हैं, तो उसे घर के गेट पर एक चिट्ठी मिलती है। अरे बहू, ये कैसी चिट्ठी रखी है, जरा पढ़कर देख तो किसकी चिट्ठी है। माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता है आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, क्योंकि वो हमारे कास्ट का नहीं है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आपकी बेटी किंजल। हे भगवान, ये क्या हो गया। मतलब कि तू सही कह रही थी बहू, सच में कोई लड़का उससे मिलने आता था। काश मैंने तेरी बात का यकीन किया होता तो आज ये सब नहीं होता। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। माँ जी, मुझे माफ कर देना, मुझे पता होता कि किंजल उस लड़के के साथ चली जाएगी तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा यकीन नहीं किया। तूने हमेशा इस घर का भला चाहा और बदले में मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही हूँ। बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो कुछ भी कर पर मेरी बेटी को कहीं से ढूंढ कर ला दे। उससे बोल बहू, वो जहाँ कहेगी जहाँ चाहेगी मैं वही उसकी शादी करवाऊंगी। बस मुझे मेरी बेटी ला दे। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं किंजल को कुछ नहीं होने दूंगी, आप आराम से बैठिए। तभी सरिता को कुछ याद आता है। सुनो, अब तुम रोज यहाँ मुझसे मिलने मत आया करो, भाभी ने हमें साथ में देख लिया है। अच्छा, तो कॉलेज के रास्ते में ही तो मेरा घर है, तुम ही मुझसे मिलने वहाँ आ जाया करो। सरिता किंजल के कॉलेज वाले रास्ते पर उस लड़के के घर का पता लगाने लगती है। तभी एक सुनसान जगह पर उसे एक घर दिखता है। जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। किंजल एक कुर्सी से बंधी होती है। भाभी, मुझे बचा लो भाभी, इस लड़के ने मुझे धोखे से यहाँ किडनैप करके लाया है। प्लीज भाभी, मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि राजीव आ जाए। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। कमीने, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तुझे मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पता चलेगा तभी तो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम से एक चिट्ठी पहले ही तुम्हारे घर पर रख दी है। तभी सरिता पुलिस को लेकर फौरन वहां आ जाती है और राजीव को किडनैपिंग के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। सरिता किंजल को घर ले आती है और सारी बातें प्रेमलता से बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई मेरी बच्ची, मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ, धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, क्योंकि अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया है। मैंने हमेशा तुझे पराया समझा है, लेकिन आज से मेरी एक नहीं बल्कि मेरी दो दो बेटियां हैं। माँ जी, एक बहू को और चाहिए ही क्या होता है। उस दिन के बाद से प्रेमलता बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करती है। नन्ही परियां बनी स्कूल स्टूडेंट। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनकी तीनों बेटियाँ दिया, कृतिका और सोनी हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से दूसरों को परेशान किया करती थी। और इसी वजह से एक दिन रानी माँ एक फैसला करती है कि वो अपनी तीनों बेटियों को कुछ समय तक धरती लोक पर छोड़ आएंगी, जहाँ वे लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। तभी एक दिन रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से कहती है, सुनो तुम तीनों, अब तुम तीनों को कुछ समय तक धरती लोक पर ही अपना जीवन गुजारना होगा, और याद रहे, तुम लोग धरती लोक पर अपने जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती हो, क्योंकि वहाँ के बच्चों में तुम्हारे जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं होती। इसलिए तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही धरती लोक पर जाना होगा। जी माँ, हम लोग अभी तैयार होकर आते हैं। इतना कहकर कृतिका, दिया और सोनी अपनी माँ के साथ धरती लोक पर आती है, जहाँ एक बड़े से हॉस्टल में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवाती है। हेलो मैम, मेरा नाम रानी है और ये तीनों मेरी बेटियाँ हैं। मुझे अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन आपके हॉस्टल में करवाना है। मैंने सुना है आपका हॉस्टल इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्टल है और मैंने इसका काफी नाम भी सुना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियाँ आपके हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। क्यों नहीं, आप ऐसा करिए, आप रिसेप्शन पर जाकर फीस जमा करवा दीजिए, आपकी बेटियों का एडमिशन हो जाएगा।
इतना कहकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन उस हॉस्टल में करवा देती है और जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो तुम तीनों इस हॉस्टल में रहकर किसी भी तरह की कोई शैतानी मत करना और अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आती रहूंगी और मैं ये जो भी कर रही हूँ तुम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ मत करना। माँ आप चिंता मत करिए, हम लोग कोई शैतानी नहीं करेंगे और आराम से यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। इतना सुनकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में छोड़कर वापस परीलोक आ जाती है, लेकिन उनकी तीनों बेटियाँ धरती लोक पर भी अपनी शक्तियों से शैतानी करना शुरू कर देती है। इसीलिए जब स्कूल खत्म होने के बाद सब लोग हॉस्टल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी काजल नाम की एक लड़की कहती है, अरे लगता है तुम तीनों इस हॉस्टल में नहीं आई हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तीनों बहनों का कल ही इस हॉस्टल में एडमिशन हुआ है। अच्छा तो चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। अरे ये क्या, आज फिर से वही दाल चावल रोटी सब्जी, मैं तो रोज रोज ये खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। पता नहीं इस हॉस्टल में इस दाल चावल के अलावा और कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बनता, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ये खाना खाने का। अरे तो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें इस टेबल पर बढ़िया बढ़िया पकवान और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। लेकिन वो कैसे, तुम्हारे पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास हमारी जादुई छड़ी है जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो, तुम्हारे पास परियों की तरह जादुई छड़ी है? हाँ काजल, हम तीनों के पास ही हमारी जादुई छड़ियाँ हैं, क्योंकि हम तीनों ही परी हैं और हम तीनों परी लोक से यहाँ आए हैं। लेकिन हाँ तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें रोज रोज स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद वे तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान ले आती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और इस तरह वे तीनों बहनें हर रोज अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई ना कोई कारनामा करती ही रहती है, जिसकी वजह से हॉस्टल के सभी बच्चे उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हॉस्टल की एक लड़की जो दिया की ही क्लासमेट होती है, वो हमेशा उदास और परेशान रहा करती थी और ना ही वो किसी से बात किया करती थी। तभी एक दिन दिया काजल से कहती है, अरे काजल ये मुस्कान हमेशा इस तरह उदास क्यों बैठी रहती है, और ना तो ये किसी से बात करती है और ना ही ये हमारे जादू में कभी शामिल होती है, इसे कोई तकलीफ है क्या? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जब से इस हॉस्टल में आई हूँ मैं तब से इसे ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो देखो आज मैं इस मुस्कान को कैसे बुलवाती हूँ। इतना कहकर वे तीनों बहनें मुस्कान के पास जाती है और कहती है, ये लो मुस्कान तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट और प्यारा सा टेडी बियर भी। इतना कहकर दिया अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पर चॉकलेट और टेडी बियर ले आती है और कहती है, देखो देखो मैंने तुम्हें कितना सुंदर गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम अब मुझसे दोस्ती करोगी? तुम अपनी जादुई छड़ी से कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर तुम मुझे मेरी माँ को भी वापस ला सकती हो। प्लीज मेरी माँ को वापस ले आओ। अरे मुस्कान लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी प्रिंसिपल मैम है। नहीं वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो तो मेरे घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी थी, जिसने अपनी चालाकी से मेरी माँ को पता नहीं कहाँ कैद कर दिया और खुद इस हॉस्टल की प्रिंसिपल बनकर बैठी है। इतना कहकर मुस्कान जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता देखकर दिया कृतिका और सोनी उसे चुप करवाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वह उसे उसकी माँ से मिलवा कर रहेगी। तभी एक दिन मौका देखते ही तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल मैम को हवा में उड़ा देती है और प्रिंसिपल मैम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ, कोई तो मेरी मदद करो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे प्रिंसिपल मैम ये आपको क्या हुआ, ये आप इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हो, कहीं इस हॉस्टल में भूत तो नहीं आया? और इस तरह कुछ ही देर में प्रिंसिपल ऑफिस में सारे टीचर और स्टाफ इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय मुस्कान उन तीनों जादुई बहनों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाती है और कहती है, जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना मेरी ये जादुई सहेलियाँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं और तुम इसी तरह हवा में उड़ती रहोगी, बताओ जल्दी। क्या जादुई सहेलियाँ, लेकिन ये तीनों तो एक साधारण स्कूल के विद्यार्थी हैं, फिर ये जादुई विद्यार्थी कैसे बन गई? क्योंकि हम लोग परीलोक से आई हुई जादुई परियां हैं,
इसलिए अब चुपचाप बता दो मुस्कान की माँ कहाँ है, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोनी के इतना कहते ही प्रिंसिपल मैम अपना सच अपने आप बता देती है कि उसने मुस्कान की माँ को और इस हॉस्टल के असली प्रिंसिपल को कहाँ पर कैद करके रखा है, और फिर मुस्कान को अपनी असली माँ वापस मिल जाती है। लेकिन मैम, हमें तो बताया गया था कि आपने अपना एक नया हॉस्टल खोल लिया है और आपके बदले यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल मैडम आ गई है। नहीं, ये सब इस दुष्ट औरत की चाल थी, लेकिन अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परियां। उसी समय वहाँ पर रानी परी माँ भी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, आज तुम तीनों ने धरती लोक पर रहकर दूसरों की मदद की है, और इससे बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अब मेरे साथ वापस परी लोक में चलो। इतना सुनकर मुस्कान और काजल आंखों में आंसू लिए अपनी जादुई सहेलियों को खुशी खुशी विदा करती है, और वे तीनों अपनी माँ के साथ परी लोक वापस चली जाती है, और वहीं नकली प्रिंसिपल मैम को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। प्रिया नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। जहाँ रूही बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वहीं सिया एक बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की लड़की थी। सिया के मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहा करते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर सिया की मामी विनीता उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। वह सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अपने घर का सारा काम करवाती थी, और बदले में उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी, और वही अपनी बेटी की सारी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन उसके मामा उसके ऊपर हो रहे इन सब अत्याचारों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि विनीता अरविंद के सामने हमेशा सिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, और उसके शहर जाते ही वह फिर से सिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, तभी एक दिन रूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे कल अपनी फ्रेंड अनन्या के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और कुछ ज्वेलरी चाहिए, इसलिए आप मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रूही बेटा, अभी परसों ही तो तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे, और आज फिर तुम पैसे मांग रही हो। क्या मम्मी, अब आप भी मुझसे पापा की तरह पैसों का हिसाब लोगी? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो, और अच्छे से शॉपिंग करना। इतना कहकर विनीता नोटों की गड्डी निकाल कर रूही को दे देती है, जहाँ रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर सिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि विनीता ने सिया को पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए थे। वहीं वो अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी। इसलिए सिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखों में आंसू लिए कहती है, खास माँ पिताजी, आप लोग जिंदा होते तो मुझे इस तरह मामी का अत्याचार नहीं सहना पड़ता, और मुझे भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल पाती जैसे रूही को मिलती है। मुझे पता है मामा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी इस हालत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना मामी मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देगी। सिया जब कमरे में बैठे ये बातें कर रही होती है, उसी समय उसके मामा उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे सिया क्या बात है, तुम ऐसे अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? अरे मामा जी आप यहाँ, लेकिन आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? सिया इस बार भी अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को कुछ नहीं बताती है और कहती है, कुछ नहीं मामा जी, वो बस ऐसे ही माँ पिताजी की थोड़ी सी याद आ रही थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। अपने मामा की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मामा जी, आप यही रुकिए, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट से तैयार होने चली जाती है, और जब कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, उसी समय विनीता कहती है, अरे
ऐसे सज धज कर कहाँ जा रही हो अपने मामा के साथ? दरअसल विनीता, मैं सिया को अपने साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। वैसे भी बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची कहाँ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती है। अरे तो बिन माँ बाप की बच्ची है तो क्या हुआ, अब आप इस पर अपने सारे पैसे लुटाते फिरोगे? आपको पता है ना, अगले महीने ही रूही के कॉलेज की फीस भी भरनी है। विनीता, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी की जरूरत का ख्याल है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना बोलकर अरविंद सिया को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है और वह सिया को उसके मन पसंद की सारी चीजें दिलवाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदता है। ये सब देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे लोग शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो विनीता और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। उनको देखकर सिया मन ही मन सोचती है, अरे मामी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है, और अगर इन्होंने मेरे ये नए कपड़े देख लिए ना तो नहीं, इससे पहले मामी मेरे ये कपड़े देखे मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती हूँ। इतना सोचकर सिया वो कपड़े ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है। तभी विनीता कहती है, आ गए अपनी प्यारी बेटी के ऊपर पैसा खर्च करके, तुम्हें तो उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है, भूलो मत तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। विनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अरे उस बेचारी को कितने साल हो गए, तुमने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और अगर आज मैंने उसे कुछ कपड़े दिला दिए तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है। तुम भी तो हर महीने अपनी बेटी को शॉपिंग कराती हो ना। अरविंद की ये बात सुनकर विनीता मुंह बनाते हुए रूही को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहां रूही अपनी माँ से कहती है, देख लिया ना माँ, पिताजी उस दो कौड़ी की नौकरानी सिया की बराबरी मुझसे कर रहे हैं। पता नहीं उस सिया की बच्ची ने पिताजी के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो वो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस एक बार अपने पिताजी को यहाँ से जाने दे, फिर मैं उस नौकरानी को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके शहर जाते ही विनीता और रूही सिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी। लेकिन मामी जी मैंने किया क्या है, देख रही हो मम्मी कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे पति ने तुझे जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना सारे निकाल कर मुझे दे। लेकिन मामी वो कपड़े तो मामा जी ने मुझे दिलवाए हैं ना। अच्छा तो अब तेरी जवान भी चलने लगी है, अरे चुपचाप वो कपड़े लाकर मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी मामी की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप से सारे कपड़े निकालकर अपनी मामी को दे देती है, जिसके बाद विनीता वो सारे कपड़े रूही को दे देती है। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और ऐसे ही अगले दिन जब सिया बाजार सब्जियां लेने जा रही होती है, उसी समय रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे घर की नौकरानी कौन है, तो देखो वो रही हमारे घर की नौकरानी। अरे रूही क्यों ना तेरी नौकरानी को मजा चखाया जाए, बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी इससे अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं, बहुत उड़ रही थी ना मेरे पिताजी के सामने। इतना कहकर रूही के दो सिया का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ नौकरानी मेरा दुपट्टा उस पेड़ के ऊपर फंस गया है, तो तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर मेरा दुपट्टा निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, जल्दी जाओ और दुपट्टा निकाल कर दो, वरना मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना सुनकर सिया पेड़ पर चढ़ जा और उसका दुपट्टा निकाल कर जब वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है, तो अचानक से उस पेड़ की डाल में फंसकर उसकी ड्रेस फट जाती है। और ये देखकर रूही के सारे फ्रेंड सिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी। इसलिए जब वो रोते हुए घर वापस आने लगती है, उसी समय रास्ते में एक झोपड़ी में से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सिया उस आवाज को सुनकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है, तो वह देखती है एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटे लेटे दर्द से कराह रही होती है। और ये देखकर सिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है,
इसलिए जाने से पहले मैं अपनी एक कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो एक नेक और ईमानदार इंसान हो, उसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो, और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो। तो बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने की सैंडल है जो मुझे एक महान गुरुजी ने दी थी, और आज मैं ये तुम्हें दे रही। तुम इस जादुई सैंडल को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। इतना सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। और अपने कमरे में जाकर जब वो उस सैंडल को पहनती है और कहती है, हे जादुई सैंडल, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकती हो? सिया के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं, और ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से सिया उस जादुई सैंडल की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। ये सब देखकर विनीता और रूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो सिया के पास जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहने लग गई है, और तेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए? कहीं तूने मेरी अलमारी में से पैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं मामी, मैं क्यों आपकी अलमारी में से पैसे चुराऊंगी, और वैसे भी अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की ये बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही सिया को मारने जाती है तो उसकी जादुई सैंडल में से एक रोशनी निकलती है और उन दोनों माँ बेटी को बिजली का जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस दिन के बाद से वे लोग सिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, और सिया भी उस जादुई सैंडल की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है।